इलेक्शन करना हो ना उसके एलसीसी बॉक्स से, तो ये उसका यानी कि लोकल कंट्रोल क्यूबिकल कैबिनेट है। तो इसमें ये मुख्तलिफ पोजीशंस हैं, नॉर्मली ये रिमोट पे होता है, तो अगर हमने इसको लोकल से करना है तो लोकल पे होना चाहिए। तो ये S4 इसका ऑन का स्विच है, S5 इसका ऑफ का स्विच है। अब ये ऑन करूँगा तो ये इससे ऑन हो जाएगा, और S5 इसका ना ऑफ का स्विच है। अच्छा S2 जो है ना हमारा इमरजेंसी स्विच होता है, इसमें यानी कि ना वो पुश करते हैं तो ये उधर ही रुक जाता है ऑपरेशन हमारा, यानी कि स्टॉप हो जाए। ये S2 जो है ना हमारा इमरजेंसी स्विच है, इसको जिधर प्रेस करते हैं ये उधर ही रुक जाएगा, ये अगर ऑपरेशन को रोकना हो ये उधर ही रुक जाएगा इसको प्रेस किया होगा। सही है, तो इसको रोटेट करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा, फिर प्रेस ऐसे होता है, रोटेट करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। तो अगर इसको मैंने ओपन करना है तो ये फिर दोबारा इस प्रेस S5 प्रेस करेंगे। अच्छा, अगर आपने मैनुअल से ऑपरेशन करना है तो आपका यानी कि ना ये स्विच मैनुअल पे होना चाहिए, अगर ये लोकल पे होगा तो आपका ये इंटरलॉक है एक ना वो नज़र आ रहा है, वो इसको डिस्क को मूव नहीं होने देगा ना किसी को ऊपर, जब आप मैनुअल पे करेंगे तो पीछे हट जाएगा। अब आप डिस्क मूव कर सकते हैं और हैंडल इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। इसको पता था घुमाना कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज जो बोलेरो भी है ना उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो होती है बस, और इसको तब तक घुमाना है कि जब तक वो साउंड आती है इसमें ना लिमिट स्विच की, जब वो उसके बाद एक से दो रोटेशन देनी होती है।